नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज अपने बनाए जाल में फंस गया है। पाकिस्तान आज दाने दाने के लिए तरस रहा है। ऐसी ही परिस्थितियों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की हालत आज बदतर हो चुकी है। कंगाल पाकिस्तान इन दिनों कटोरा थामने को मजबूर हो गया है। इस सब के बीच पाकिस्तान में पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। यह वीडियो पीएम की पुरानी एक रैली का है, जिसमें मोदी पाकिस्तान की जमकर धुलाई करते नजर आ रहे हैं। सालों पुराने मोदी के इस वीडियो में कहीं उनकी बात आज सही साबित हो गई है। तभी तो परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब भीख मांगने की कगार पर आ चुका है। आतंकवाद और दहशतगर्दी के रास्ते पर चलकर पाकिस्तान ने आज खुद के लिए बड़ी खाई खोद ली है। चीन समेत कई देशों के कर्ज तले दबा पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज हो गया है। तभी तो रोज पाकिस्तान की बर्बादी के वीडियो उसकी दुर्दशा को उजागर कर रहे हैं। आलम यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। दाल आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। आटा 150 रुपये के पार पहुंच चुका है, वहीं दूध की कीमतें 160 रुपये लीटर पहुंच गई है। महंगाई दर 25% है, जिसमें शहरी इलाकों में महंगाई दर 32.7% और ग्रामीण इलाकों में 37.9% है। पाकिस्तान पर सऊदी अरब, कतर, चीन और यूएई का कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसे चुकाने के लिए उसने बीते दिनों एलएनजी पावर प्लांट को भी कतर को बेचने का फैसला ले लिया था। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है, तभी वह विदेशों में भटक कर भीख मांग रहा है। इन वीडियो के सामने आने के बाद से पाक मीडिया में बयानों की झड़ी लग गई है। वहां की मीडिया में मोदी के बयान को लेकर तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार को भी घेरने की कोशिश हो रही है। पाक की शहबाज शरीफ सरकार को इस बयान के जरिए तंज कसा जा रहा है कि वह कब तक सऊदी अरब के भरोसे रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।